हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटे किचन स्टार। आज मैं आपके लिए होली के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अगर आप बाजार से मिठाइयाँ परचेस करते हैं तो इस बार आप घर पे ही कुछ हटके बनाइए जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है और ग्राम में नापे तो ये 100 ग्राम हमने बटर लिया है। और अगर आप कप से बनाना चाहें तो 1 कप बटर का इस्तेमाल करें। और बटर को हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, यानी कि एकदम सॉफ्ट बटर हम यूज़ करेंगे। और इसे हम पहले एकदम अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं पाउडर शुगर, तो यहाँ पर हम 50 ग्राम पाउडर शुगर डालेंगे। पाउडर शुगर बनाने के लिए आप मिक्सी में शुगर को डाल करके अच्छी तरह से चला लीजिए और इसके बाद उसे छान लीजिए ताकि जो उसके क्रिस्टल्स हैं बड़े वो निकल जाएं। और इसके बाद हमारा जो पाउडर शुगर है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसे भी इस बटर में अच्छी तरीके से फेंटेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से फेंटना है जब तक कि बटर और जो हमारे शुगर है वो एकदम लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए। तो इसलिए हम स्पैचुला को हटा देंगे। इसके बाद इसे हम एक छोटी स्पून की मदद से इसे अच्छी तरीके से व्हिप करेंगे। आप चाहें तो इसे बीटर की मदद से भी अच्छी तरीके से लाइट और फ्लफी बना सकते हैं या फिर हैंड बीटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे करने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा अगर आप हाथों की मदद से कर रहे हैं। और 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके बटर का और चीनी का जो कलर है वो एकदम लाइट हो गया है और इस तरीके से एकदम फ्लफी सा हो जाएगा ये। इसके बाद मैं इसे आपको चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल लीजिए और इसके बाद आप इस तरह से देखेंगे तो ये ऊपर उठना चाहिए। अगर ये ऊपर उठ के नहीं आ रहा है, बिल्कुल नीचे बैठ ही रहा है, तो आप समझिए कि जो हमारा बटर और चीनी है वो अच्छी तरीके से फिटा हुआ नहीं है। तो ये मेरा इस तरीके से आ रहा है और थोड़ा सा मैंने इसे और फेंट लिया है ताकि ये जो हमारा बटर और चीनी है वो एकदम बढ़िया तरीके से फिटा हुआ हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ आलमंड और वॉलनट। यहाँ पर मैंने 1/4 कप बादाम और अखरोट को छोटा छोटा कट करके लिया है। इसे हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे वनीला पाउडर। यहाँ पर 1/2 चम्मच हम वनीला पाउडर डाल रहे हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और बिस्किट बनाने के लिए हम वनीला पाउडर ही यूज़ करते हैं। चाहे तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर नहीं आएगा बिस्किट में। अगर आप बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वनीला पाउडर जो कि इस तरीके में मार्केट में मिलता है डिब्बे में, आप उसे डालें। उससे आपकी बिस्किट में जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बाजार जैसे आएगा। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसमें डालना है मैदा। तो यहाँ पर मैंने 130 ग्राम मैदे को पहले से ही मेज़र करके लिया है और इसे हम इसमें डाल रहे हैं। और अगर आप कप या कटोरी के नाप से बना रहे हैं तो 1 कप मैदा भर करके लीजिए और उसमें 3 टेबल स्पून मैदा और डाल लीजिए। तो देखिए, अब जो हमने मैदा लिया है उसे हम अच्छी तरीके से इस बटर में फोल्ड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे मसलते हुए नहीं गूंथना है, सिर्फ हमें इसे इसमें अच्छी तरह से कंबाइन करना है। और इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और हमने इसमें दूध नहीं डाला है। आप एक कोशिश कीजिए कि दूध ना ही डालें, क्योंकि दूध डालने से बिस्किट जो हमारी होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, अच्छी नहीं बनती हैं। तो अब इस तरीके से हम एक रैपिंग ले लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपना जो हमने कुकी का डो बनाकर रेडी किया है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसे एक बार राउंड शेप दे दें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम इसे रोल करेंगे। तो ऐसे कवर कर दें इसे और पहले हाथों से इसे इस तरह से प्रेस कर दें और फिर इसे रोलर की मदद से रोल कर लें। हमें इसकी एक चौकोर सीट बनानी है ताकि जो हमारी बिस्किट्स का डो है वो वेस्ट ना जाए। तो इसे किनारों से हम इसे उठाते रहेंगे और इसकी एक चौकोर सीट बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से बिस्किट्स बनाएंगे तो घर में बहुत ही अच्छी बिस्किट्स बन करके तैयार होंगी और सभी को बहुत ही पसंद आएंगी। और इस होली अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो मानिए आपके गेस्ट्स को भी ये बहुत ही पसंद आने वाली है। बिल्कुल हटके है और किसी को पता ही नहीं लगने वाला है कि ये जो रेसिपी है ये आपने घर पे बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट भी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हमने इसको क्या किया कि 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था बेलने के बाद, और अब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, थोड़ा टाइट हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे।
तो आप चाहे तो इसे गोल पीस में भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह जिस तरह मैं कट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो जिस शेप में आप बनाना चाहें इस मिठाई को आप बना सकते हैं, इस डिज़र्ट को आप बना सकते हैं, या फिर हम कहें तो ये चॉकलेट हमारी कुकीज़ हैं इसे आप बना सकते हैं। तो इसमें जो अंदर वॉलनट का, आलमंड का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है खाने में। तो ये देखिए हमने सारी कुकीज़ को कट कर लिया है और आज हम इसे बिना बेक करके बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम अच्छी तरह से घी या तेल लगा देंगे। और कोई भी आप ऐसी ख़राब प्लेट ले सकते हैं जो कि जलने के, जो कि जल जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैंने एक ऐसी ख़राब प्लेट ले ली है जिसको मैं अक्सर बेकिंग में यूज़ करती हूँ। और इसे हम इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेट कर देंगे ताकि जो हमारी बिस्किट है वो थोड़ी सी राइज होंगी और वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को 10 मिनट पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था विद स्टैंड के साथ। अब हम इस तरह से इसमें ट्रे को डाल देंगे और इसे हम बेक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर अच्छी तरीके से पकाएंगे। और देखिए मैंने इसे बीच में एक बार पलट दिया था इसीलिए ऊपर से कलर आया है। तो इस तरह से आप भी कलर ला सकते हैं कुकीज़ का। और कुकीज़ हमारी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, इसके बाद ही हम रेसिपी में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रखा था। अब हम डबल बाउल मेथड की तरह से चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट ली है, डार्क कंपाउंड, और उसे हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। तो देखिए चॉकलेट हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं डार्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मिल्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं या वाइट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें किस तरह से फ्लेवर देना चाहते हैं बिस्किट में। ज़्यादातर डार्क कंपाउंड का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है इसीलिए मैंने डार्क कंपाउंड यूज़ किया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस बटर पेपर का रखा है। अब जो हमने कुकीज़ बनाई हैं उसे हम इस तरह से डिप करेंगे चॉकलेट में जिसे हमने मेल्ट किया है। और इसके बाद हम एक एक करते हुए बटर पेपर में इनको रख देंगे। बटर पेपर में रखने से ये आराम से रिमूव हो जाती हैं। और आप चाहें तो इसके केवल एक तरफ ही चॉकलेट कवर कर सकते हैं, पूरी तरह ना करना चाहें तो पूरी तरफ ना कीजिए। और देखिए इस तरीके से हमारी चॉकलेट बिस्किट्स बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। और इसे आप अगर गर्मी के समय में बना रहे हैं तो इसे आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा चॉकलेट इस तरह से लगाने के बाद। और अगर आपके यहाँ का मौसम जो है ठंडा है तो आप इसे इस तरह से छोड़ दीजिए, 4 से 5 मिनट में ही जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छी तरह से सूख जाएगी। और सूखने के थोड़ा सा पहले हम इसमें इस तरह से कैश्यू नट्स लगा देंगे जिससे कि ये और भी सुंदर लगने लगेगी। आप चाहें तो ऊपर से इसमें व्हाइट चॉकलेट लगा सकते हैं या फिर आप इसमें पिस्ता भी लगा सकते हैं। और देखिए हमारी जो कुकीज़ है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सुंदर ये दिख रही है, ये देखिए। तो मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।